अस्सलाम वालेकुम, आज लाइव में आप लोग के लिए चाइनीज कबाब की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपीज, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मटन का कीमा ले लिया है। कीमे को अच्छी तरह से धो लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें पानी रहेगा तो कबाब फट जाएंगे, इसलिए पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसके बाद इसमें मसाले डाल देना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देना है, 3 ब्रेड को मिक्सर के जार में डाल के इसका अच्छी तरह से बुक्का बना लेना है, यानी पीस के कीमे में डाल देना है। इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देना है, 1/2 नींबू का जूस डाल देना है निचोड़ के, नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से, 2 से 3 चम्मच देसी घी डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे कबाब की शेप देना है। तो लंबाई में मैंने इसे कबाब बनाया है, तो लंबाई की शेप दी है मैंने, आप चाहे तो गोल शेप में भी बना सकते हैं। तो सारे कबाब मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब एक फ्राई पैन लेना है, इसमें तेल गरम करना है और ये जो तैयार किए हुए कबाब है एक एक करके डालना है और इसे फ्राई कर लेना है। जब इसका एक तरफ कलर चेंज हो जाए तो पलट के दूसरी तरफ भी इसे पका लेना है, ताकि दूसरी तरफ से भी इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। गैस का फ्लेम फास्ट ही रखना है, स्लो या मीडियम बिल्कुल नहीं करना है। तो कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गए हैं, बस इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। बाकी बचे कबाब को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। जब ये कबाब फ्राई हो जाए तो इसे भी निकाल लेना है एक प्लेट में और तेल को कम कर लेना है, यानी सिर्फ 1 चम्मच के करीब में ही तेल रखना है। इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देना है, इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, गैस का फ्लेम फास्ट रखना है। इसके बाद इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज को लंबाई में कट करके डाल देना है, प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेना है। प्याज जब सॉफ्ट हो जाए तो इसमें सॉसेस डाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सोया सॉस डाला है, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाला है, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाला है, 1 चम्मच टमाटो केचप डाला है, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे विनेगर डाला था मगर उसका वीडियो मुझसे स्किप हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालना है। गैस का फ्लेम फास्ट करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब थोड़े से पानी में 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है, इसकी स्लरी तैयार कर लेनी है, इसे भी इस सॉस में डाल देना है और इसे तब तक पकाना है जब तक ये सॉस गाढ़ा नहीं हो जाता। सॉस जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें कबाब डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम फास्ट करना है, स्लो या मीडियम बिल्कुल नहीं करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, यानी 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से कंटिन्यू चम्मच को चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। तो बनके तैयार हो गया है हमारा मटन चाइनीज़ कबाब। तो एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।